सी रमाणा स्टोर में शिवा और रावी का झगड़ा होने वाला है, लेकिन इस झगड़े में रोमांस भी देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शिवा रावी को बहुत देखते ही कहता है कि चलो निकलो यहाँ से, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और रावी कहती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, और अपने अब यहाँ पर इन दोनों का झगड़ा यही खत्म नहीं होने वाला है। बेडरूम तक पहुंच जाएगा जहाँ पर शिवा उसके सामान को फेंकता नजर आएगा और रावी उसका सामान फेंकते नजर आएगी, जो कि हमेशा ही होता है, कुत्ते बिल्ली की तरह दोनों लड़ते रहते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होगा जिससे कि भाई काफी रोमांटिक सीन हमें देखने को मिलने वाला है। दरअसल यहाँ पर इनकी धक्का मुक्की इतनी चलेगी कि इन दोनों का किस हो जाएगा और इन दोनों को पता भी नहीं चलेगा, और यहीं से एक दूसरी शुरुआत होगी। दोनों ही चुपचाप अपने अपने काम में लग जाने वाले हैं, यानी कि चुपचाप से सो जाएंगे और यहाँ पर सारे कपड़े वपड़े सब तय कर देंगे। अब शिवा को शिवा बहुत ही बुरी तरह से एम्ब्रेस हो जाएगा और उसे लगेगा कि रावी के साथ वो उसको फेस भी नहीं कर पाएगा, और रावी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, यानी कि एक किस पूरी कहानी पलट के रख देगा और शिवा रावी को कुछ भी नहीं कहने वाला है, यहाँ तक कि उसको फेस करने से भी डर रहा होगा। यहाँ तक सभी घर वालों को ऐसा लग रहा होता है कि आखिर शिवा इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, लेकिन भाई शिवा के साथ जो हो गया है बेचारे ने, अब उसको किस तरह से घर वालों को बताएं। और दूसरी तरफ रावी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया, तो यहाँ पर सभी लोग शिवा की टांग खिंचाई करते दिखने वाले हैं। तो वहीं अनिता पहुंचेगी जो कि अब गौतम के करीब जाने की कोशिश करने वाली है, और अब उसकी हरकतें शुरू होने वाली हैं, जहां पर वो सुमन के और रावी के बहाने से फिर पांड्या निवास में घुसने की कोशिश करने वाली है, लेकिन उसकी कोशिशें रावी नाकामयाब करते नजर आएगी और उसे पहले ही वार्न कर देगी कि अगर उसने कुछ भी धरा के जिंदगी में गड़बड़ करने की कोशिश करी या फिर गोम्बी के साथ ने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करी तो वो पूरे घर वालों को तो बताएगी, साथ में पहले तो वो खुद ही उसका ट्रीटमेंट कर देगी और इस घर में आना भी रुकवा देगी। तो देखना अब ये होगा कि रावी किस तरह से अनिता की हरकतों को रोकती है, साथ में शिवा और रावी का जो रोमांस है उसका तिड़का हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को जरूर मिलने वाला है।